आप सभी को सादर प्रणाम। ये डॉक्टर मिस्टर अमित झा द्वारा फार्मेसी जागरूकता यात्रा जो कि 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है नई दिल्ली से BHU बनारस तक की, जो कि 800 प्लस किलोमीटर दूरी तय करेगी। उसमें रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न नगरों की फार्मेसी कॉलेज, इंडस्ट्रीज और फार्मेसी से जुड़े लोगों का साथ इनको मिलेगा, जो कि फार्मेसी की बुनियादी बुनियादी ढांचे और सुधार के अनेकानेक गंतव्य और मंतव्य तय करेगा। करीब आज से करीब 35 साल पुरानी बात है, फार्मेसी संस्थान में प्रवेश लेने हेतु एवं शिक्षण हेतु पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ दो कॉलेज थे। एक सागर में, सागर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, एवं दूसरा इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय था। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में मेरे यहाँ के लिए झांसी में 10 फार्मेसी कॉलेज चल रहे हैं, एवं ललितपुर सरी की छोटी जगह में भी 3 कॉलेज सुचारू रूप से चल रहे हैं। फार्मेसी प्रोफेशन ने काफ़ी तरक्की की है इन विगत वर्षों में। फार्मेसी फील्ड के लोगों का इस समय जो कोविड महामारी का दौर चल रहा है उसमें भी काफ़ी बड़ा और एवं महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके योगदान से ही उन्हें कोविड वॉरियर्स की संज्ञा से नवाजित किया गया है। एक जो अभी एक स्कीम शुरू हुई है मेंटर की, वो काफ़ी अच्छी है कि कुछ एक सीनियर प्रोफेसर्स वगैरह जो आसपास के कॉलेज हैं, 2-3 कॉलेजों के मेंटर बना दिए जाएं, और उनकी भी जो भी आख्या हो वो उस आख्या का PCI या अन्य तकनीकी संस्थान उसका पूरी तरह से पालन करें, एक सराहनीय कदम है। और ये मिस्टर अमित झा हैं, ये एक फार्मेसी की जागरूकता के लिए काफ़ी कुछ श्रेष्ठ कार्य करते रहते हैं। एक ये इन्होंने जो एक धारा बनाई है, मैं चाहता हूँ कि वो उसमें आगे भी अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रतिपादित करते रहें और फार्मेसी के उत्थान के लिए सभी का आह्वान करता हूँ और सभी सभी से निवेदन करता हूँ कि इनकी जो रैली में, जो मार्ग में, जो भी स्टेशन मिल रहे हैं, जो भी शहर मिल रहे हैं, वहाँ से आप लोग भी इनको मोटिवेट करें और इनका उत्साहवर्धन करते हुए इस रैली की सफलता की ईश्वर से कामना करता हूँ। धन्यवाद।